परिवार, जीता कौन हारा कौन इससे कोई फर्क नहीं, करना क्या है वहां पे मस्ती करना, एंजॉय करना। ये जब इस तरह की पिक्स या इस तरह की क्लिप्स आप जाकर के लोगों के साथ शेयर करते हैं, वहां से आप उनका क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मुंबई से हैं आप निश्चित तौर पर, सुहेल लांबे साहब जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं वो चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब कर रखा होगा और आपके पास इन्फॉर्मेशन आती ही होगी। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा हूँ? कर रखा है आपने, कर रखा है। नेटवर्क किसका है, लीडर कौन है, इससे मतलब नहीं है। उस कंटेंट से आपको क्या लाभ मिलता है, इससे मतलब है, ठीक है। तो हर व्यक्ति के पास अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई है या यूज कर पा रहा है तो आज के समय में वो अपना कारोबार बहुत अच्छा लेकर के जा सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। उसी कड़ी में एक और शुरुआत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से की है। हम लोगों का मतलब इसमें कई हाथ लगे हुए हैं। सुहेल साहब तो अकेले शुरुआत किए थे, हम लोग कई लोग हाथ लगाए हुए हैं इसमें। श्री नरेंद्र त्रिवेदी जी, श्री आरडी पटेल जी, मुकेश वर्मा, अभी वो जो यंग सा लड़का दिखाई दे रहा था, श्री सीबी सिंह जी को कितने लोग जानते हैं, उनके वो नाती बोलते हैं श्री भूपेंद्र सिंह। तो हम लोगों ने मिलकर के हाथ लगाया है। अभी आप आने वाले दिनों में देखिएगा ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर बातचीत करके देंगे जो बिजनेस बूम करेगा। उनमें से कुछ चीजें आज मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं, आगे उस पर होगा। तो भूपेंद्र सिंह डीएसएल अगर आप टाइप करेंगे तो उधर चार दिन पहले ये वीडियो अपलोड की गई है और मोर देन 100 सब्सक्राइबर उधर आ गए। तो उधर करना है, उधर आगे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज जहां पर मैं हूं या मेरे जैसे तमाम पीएसआई अचीवर हैं, क्या हम ड्रीम बिल्ड करके खुद भी वहां जा सकते हैं? और अगर जा सकते हैं तो जीतने की बात करेंगे, जीतने की बात करेंगे। जीतना मतलब विक्ट्री है ना। बहुत से लोग हैं, ये लाइट पीछे 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 नहीं पीछे लाइट बंद तो आप में से कितने लोग हैं जो जीतना चाहते हैं? सभी के हाथ उठेंगे। और एक और बड़ा जेन्युइन सा बड़ा कॉमन सा प्रश्न है जो हर डीएसएल की मीटिंग में पूछा जाता है, आप में से कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? सबके हाथ उठे। एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो 1,00,000 रुपए से ज्यादा महीना कमाना चाहते हैं? सबके हाथ उठेंगे। ये इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा हम हाथ उठाते हैं। बहुत बड़ा सच है, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 हमेशा हाथ उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। मेरा भी अपना मानना है कि पता नहीं ऊपर वाले यहां से तथास्तु कब आ गए, ठीक है, उठाना भी चाहिए। लेकिन जो हाथ उठा रहा है, उस हाथ उठाने वाले से अगर उस 1,00,000 रुपए को बोलने की इजाजत दे दी जाए और प्रश्न करने की उसको क्षमता प्रदान कर दी जाए तो वो 1,00,000 रुपया ये प्रश्न कर सकता है ना कि भैया आप कह तो रहे हो कि आप 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हो या 10,00,000 रुपए कमाना चाहते हो, लेकिन मैं आपके पास क्यों आऊं? हेलो, अगर उससे उसको इजाजत दे दी जाए कि मैं आपके पास क्यों आऊं, ये प्रश्न अगर वो पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? आज आप जिस भी जगह पर पहुंच चुके हैं, जो भी अवस्था उम्र हो चुकी है, अगर आप वहां तक 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 रुपए महीने के आदमी अगर नहीं बने हैं
तो उसको अधिकार है कि आप पिछले 5 साल से 8 साल से 15 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं और फिर भी आप उस जगह पर नहीं है कि 1-2 लाख, 10 लाख रुपए महीने के आदमी हो गए हो, तो उसको अधिकार है, किसको, उस रुपए को पूछने का अधिकार है आपसे कि भाई मैं आपके पास ठीक हूं। तो अगर ऐसा कोई अधिकार उसको दे दिया जाए और वो पूछ ले, तो सच बता रहा हूं हम में से ज्यादातर लोगों के पास, आप में से ज्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं होगा। इसलिए आज जो मैं टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये टॉपिक आपको उस सवाल के नजदीक पहुंचने में बहुत मदद करेगा या उस सवाल का जवाब देने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस टॉपिक का नाम ही है तैयारी जीत की, यानी कि जीतना तो है बट जीतने से पहले भी कुछ प्रिपरेशंस होती हैं, कुछ तैयारी होती है। आप ऐसे कितने लोगों ने मिल्खा सिंह का नाम सुना है? सब ने सुना। हुसैन बोल्ट का किसने नाम सुना है? ढेर सारे। सानिया मिर्जा का किसने, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जितने भी नाम हैं इन सब को आपने सुन रखा है, यस और नो? और ये सब सफल सक्सेसफुल नाम है, नेम फेम वाले लोग हैं, मान सम्मान वाले लोग हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ। लेकिन ये जब सफल हुए तब आपने जाना, लेकिन उसके पहले इन्होंने सफलता के पहले कितना पसीना बहाया अंधेरे में। अंधेरे का मतलब जब वो लाइन लाइट में नहीं थे, जब आप जानते ही नहीं थे, उन्होंने कितना पसीना बहाया, उन्होंने कितनी तैयारियां की, कितने कितने घंटे की, कुछ आइडिया? किसी के पास आइडिया नहीं। लेकिन ये जो भी तैयारी उन्होंने की, ये जो भी पसीना उन्होंने बहाया, वो घर में बैठ करके बहाया हो, आया ना? आया ना? आया ना? नहीं। कहां? फील्ड में। फील्ड में कहां बहाया? फील्ड में। और जब फील्ड में पसीना बहाया तो भैया आधे घंटे जब उन्होंने फील्ड में दे दिया और जब वो पसीना निकल करके आ गया तो पीछे से जेब से कहीं से रुमाल रुमाल निकाले, मेरी तो रुमाल एक अपन कहां चली गई है, रुमाल रुमाल निकाले, बढ़िया से पोछ पाछ करके अभी जाकर के बैठ गए हो, ऐसा किया ना? कितने कितने घंटे पसीना बहाया होगा? 24 घंटे का ऊपर वाले ने दिन रात हम लोगों को दिया है, तो ऐसे लोग 10 से 12 घंटे 14 घंटे जिस जगह पर दिखाई देते थे उसको बोला जाता है फील्ड। हाँ या ना? क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। और हम नॉर्मल लोग, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग, हम गरीब लोग, या हम जो अभी आज सफल नहीं है, हमको भी 10 लाख रुपए महीना कमाना है या हमको भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो हम कहां बैठ करके कमाना चाहते हैं? घर में बैठ। कहां पे? सुनाई नहीं दिया। कहां पे? कहां पे? घर पे बैठ के कमाना चाहते हैं। मतलब प्रकृति का जो सिद्धांत है उसको क्या कर देना चाहते हैं? पूरा का पूरा पलट करके रख देना चाहते हैं। नहीं, अगर हमको भी पैसा कमाना है, आपको भी पैसा कमाना है, तो कहां रहना होगा? कहां रहना होगा? कहां रहना होगा? कहां रहना होगा? फील्ड में। और आप जितना ज्यादा फील्ड में रहेंगे उतनी अच्छी, उतनी बड़ी आप तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे। अभी सफल होंगे नहीं होंगे मैं नहीं बोल रहा, अभी क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। क्योंकि असली धक्का वहीं पर लगता है, असली थप्पड़, असली संघर्ष, असली चैलेंज अगर आपको कहीं पर मिलते हैं तो कहां पर मिलते हैं? फील्ड में ही मिलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। और ये चैलेंजेस, ये धक्के
मैं या मेरे जैसे तमाम लोग जो डीएक्सएल में आज सक्सेस है, मिलेनियर है, टीएसआई अचीवर है, देश विदेश में जाकर के उस अचीवमेंट का आनंद ले रहे हैं, जितने भी लोग हैं इन सब ने जाकर के उधर धक्के खाए ही खाए हैं, चैलेंजेस लिए ही लिए हैं, चैलेंजेस फेस किए ही किए हैं, लेकिन घर में बैठकर, घर में बैठकर ये ध्यान देना होगा। तो प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, लेकिन कहां जाकर के? फील्ड में जाकर के। सो माय डियर फ्रेंड, आज आपके साथ भी जो चीजें मैं शेयर करने जा रहा हूं वो फील्ड की कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, फील्ड की कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूं। फील्ड में जब हम जाएंगे तो चैलेंजेस आएंगे, धक्के लगेंगे, या एक शब्द बोला जाता है, हवा अगर आपके अंदर है तो पिन लगा करके उस हवा को निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो जो धक्के आपको लगेंगे, वो जो चैलेंजेस आएंगे, हमेशा अपने दिमाग में एक शब्द अगर बना करके रख सकते हैं तो रख लीजिएगा कि चैलेंजेस मेक्स यू और ब्रेक्स यू। जैसे ही आपके सामने किसी भी प्रकार का चैलेंज आए, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये मेरे लिए चैलेंज है, मेरे पास दोनों रास्ते पड़े हुए हैं, ये चैलेंज मुझे बना देगा या ये चैलेंज मुझे तोड़ देगा, मेरी टांग पकड़ करके नीचे खींच देगा। ये आपके दिमाग में मैसेज आ जाना चाहिए। लेकिन उस चैलेंज से बाहर कैसे आना है, उस चैलेंज को काउंटर कैसे करना है, उस चैलेंज से निकल करके अपने लोगों को भी कैसे आपको आगे लेकर के जाना है, ये सब कोई अपलाइन आपको आकर के मदद नहीं करने वाला है। बहुत क्लियर कट जान लीजिए आप, ये सब अगर किसी के पास सामर्थ्य है या कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो करना होगा ये हर दिन करना होगा। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब इससे आप दूर रह पाएंगे, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी क्राउन डायमंड हो, क्राउन एम्बेसडर हो, वो भी जो क्राउन एम्बेसडर हो गए हैं, टॉप लेवल पर जाकर के बैठे हैं, वो भी इसका हमेशा हिस्सा रहते हैं, हमेशा। क्या लिखा हुआ है? एक बार फिर से, एक बार फिर से, सीखना है तो सीखना है। तो फिर से अगर मैं प्रश्न आपसे करूं कि आप में से कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, कितने लोग? सबके हाथ नहीं गए। मैं बार बार कहता हूं हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ऊपर वाला कब फोटो खींच करके रख ले, बोले इसको जो है पास करो। दोनों हाथ हमेशा उठाइए, ठीक है। लेकिन जिनको भी जीतना है, जिनको भी सक्सेसफुल होना है, जिनको भी सफलता के परचम लहराने हैं, उनको ये हमेशा ध्यान रखना होगा, आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, सीखने की ललक, सीखने की जिज्ञासा कभी आपकी खत्म नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है कि कोई इतना अज्ञानी नहीं है कि किसी को कुछ दे ना सके, और कोई इतना ज्ञानी भी नहीं है जो किसी से कुछ ले ना सके। ये बहुत बड़ा सच। तो सीखते रहना है, इसी को दूसरे शब्दों में आपको आज ही रट लेना है। मेरे नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो मेरे नेटवर्क में ये कविता की तरीके से रटा हुआ है। क्यों राजकुमार जी? जी बिल्कुल सर, कविता की तरीके से, ये बेस है, इससे बाहर कतई नहीं निकलना है। जीतना है तो सीखना है। इसको थोड़ा सा और पलट करके देखते हैं, जीतना है तो सीखना है, इसको पलट लेते हैं, सीखना बंद तो
जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद, जीतना बंद, ये ध्यान हमेशा बंद नहीं करना, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते जाना है। और अगर नहीं किया तो होता क्या है, ये लाइन होती है। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद असफल क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? आप चले जाइए, 100 लोगों से मिल लीजिए, 200 लोगों से मिल लीजिए, 1000 लोगों से मिल लीजिए, जिन्होंने फॉर्म साइन अप किया और उसके बाद इस बिजनेस, किसी भी कंपनी के हो, उसके बाद इस बिजनेस में वो असफल हो गए हो, आप गए उनको मीटिंग देने के लिए, सौदा प्लान करने के लिए, बिजनेस बताने के लिए, उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा वो कंपनी आई थी, मैंने ज्वाइन किया, कुछ होता वाता नहीं है, मैंने भी एक दिन डीएक्शन ज्वाइन किया था, मेरे एक रिश्तेदार ने ज्वाइन किया था, कुछ करोड़ नहीं पाए, ऐसी जितनी भी बातें असफल लोग कहते हैं या करते हैं, उनका 1500 लोगों का जाकर के अगर आप सर्वे करेंगे और उस सर्वे में एक प्रश्न अगर आप उनसे पूछ लेंगे कि सर मानता हूं कि आप फेल हो गए, सॉरी अगर ऐसे बोल देंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा मामला, सर आप जो कह रहे हैं मैं मान लेता हूं कि एकदम ये सच है कि ऐसा कुछ होता होता नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी सफल नहीं होता है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपना इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करें और मुझे एक बात बताने का प्रयास करें कि आपने कितनी मीटिंग अटेंड की थी, कितनी मीटिंग अटेंड की थी, कितना सेमिनार अटेंड किया था। तो जो निकल करके रास्ते पर जो सामने आएगा रिजल्ट, वो या तो ये निकल करके आएगा, अच्छा मीटिंग भी होती है क्या पहली चीज, या दूसरी बात, हाँ एक मीटिंग में गए थे, या तीसरी बात, चले जाते थे 5-7 मीटिंग अटेंड किए लेकिन देखते थे बार बार वही मुकेश वर्मा आते थे और बात करते थे, तो भैया बस जाते थे और चल देते थे, घंटा भी नहीं बैठ पाते थे क्योंकि वो बोर बहुत करते थे, पकाते बहुत थे वगैरह वगैरह। मतलब अगर कहीं पर कुछ भी निकल करके आएगी कहानी, तो उन असफल लोगों के पास एक ही कहानी निकल करके आएगी, वो सब के सब मीटिंग से नदारद रहते थे या मीटिंग्स में नहीं जाते थे, क्योंकि जो मीटिंग है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जो मीटिंग है डीएक्शन के लिए, ये वरदान की तरीके से होता है, यही वो जगह है जहां पर जाकर के आप अपने सपनों की दुनिया देख पाने में और वहां तक पहुंच पाने में सक्षम बन पाते हैं, भाई सक्षम बन पाते हैं। एक जोरदार ताली भैया के लिए बजाइए, नहीं पहुंचते जाते एक कारण ये भी हो जाता है कि मीटिंग में गए तो थे लेकिन झपकी बहुत आती थी